इन फ्रेंड जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। सीएमई पुणे की तरफ से आपकी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, सभी कैंडिडेट के मार्क्स के साथ आपकी लिस्ट जारी हुई है। जिन्होंने भी एग्जाम दिया था वो सभी कैंडिडेट अपने मार्क्स भी चेक कर सकते हैं। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनकी भी फाइनल लिस्ट जारी हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था और ये लिस्ट में नेम है तो वहाँ पे आप जा सकते हैं, इस लिस्ट की प्रिंट निकाल कर आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जिनका भी कैंडिडेट का नाम है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसमें 119 पदों पर आपकी एग्ज़ाम करवाई गई थी, जिसमें ओनली 768 कैंडिडेट वहाँ पर एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। बहुत ही कम कंपटीशन में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें 15 नंबर पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसी एग्जाम जो भी हैं जिसमें आपका कट ऑफ मार्क्स के आधार पर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं, उनका जो भी आपका रिजल्ट है उसमें बहुत ही कम कट ऑफ पर आपका सिलेक्शन होता है। इसमें आपकी जो सीएमई की जो पोस्ट थी उसमें 90 से ज़्यादा वाले परसेंटेज वाले एमटीएस के पद पर आपके कैंडिडेट को बुलाए गए थे। बाकी की कुछ ट्रेड ऐसी भी थी जिनमें 60% पे भी कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आए थे, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे एग्ज़ाम भी देने पहुँचे। इसकी वजह से वहाँ के कट ऑफ बहुत ही कम रही है। आपके कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनमें आपकी बहुत ही कम कट ऑफ पर सिलेक्शन हो चुका है। इसमें आप देख सकते हैं ये पोर्टल ओपन हो चुका है, यहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। फाइनल रिजल्ट पर क्लिक करके आप रिजल्ट को चेक कर पाएंगे। कुछ आपके जो मोबाइल्स हैं वो उसमें आपके ओपन नहीं हो रही वेबसाइट, लेकिन मैंने आप इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड कर चुका हूं। इसके लैपटॉप पर आप ये कंप्यूटर से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद में जो भी कैंडिडेट है जिनका भी इसमें लिस्ट में नाम है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर, स्क्रीन पे आप ये लिस्ट देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी सीएमई, आपका जो भी इंजीनियरिंग मिलिट्री कॉलेज है उसमें आपकी ये वैकेंसीज आउट की गई थी इस पूना की तरफ से। इसमें आप देख सकते हैं इसमें आपके कंप्लीट सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 से 3 जून के जो भी ट्रेड्स हैं स्किल टेस्ट, आपका जो भी 3 ट्रेड का करवाया गया था स्किल टेस्ट हुआ था, उसके बाद में आप 30 जून तक जो भी लिस्ट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी कैंडिडेट के पास मैसेज भी भेज दिए गए हैं, और जिनका भी पास जो भी ज्वाइनिंग लेटर यदि नहीं पहुँचा है और इस लिस्ट में नेम है तो आप तुरंत अपना जो भी मैसेज है वो करके कंप्लीट वहाँ पे पहुँच सकते हैं। जो भी कैंडिडेट हैं जिसका भी इसमें कैंडिडेट का सिलेक्टेड कैंडिडेट का नाम है, पहले कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कि काफ़ी कैंडिडेट मैसेज भी कर रहे थे कि आपके अकाउंटेंट का तो एडमिट कार्ड ही जारी नहीं हुआ है, एडमिट कार्ड भी जारी हुए थे, एग्ज़ाम भी लगी थी। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी थे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे आप तो फर्जी वीडियो बना रहे हैं, इसमें अकाउंटेंट की तो कैंडिडेट की एग्ज़ाम ही नहीं लगी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग हुआ है, सभी ट्रेड की एग्ज़ाम भी लगी थी। कितने कैंडिडेट पहुँचे थे वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम भी दिया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने कितने पोस्ट पे कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम भी दिया था विथ मार्क्स के साथ, वह लिस्ट भी जारी की गई है नीचे। इसमें जो पहले वाले कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं मयूरी, जिनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद में आपका जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जिनका आपका कुमार का सिलेक्शन हो चुका है, अपने रोल नंबर भी दिए गए हैं, एप्लीकेशन नंबर भी दिए गए हैं और पोस्ट कोड भी आपके दिए हुए हैं और नाम भी आपका दिया गया है, सभी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में सीनियर मैकेनिक के लिए 2 कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। इसके मार्क्स भी आपको मैं दिखाऊँगा कितने मार्क्स पर इनका सिलेक्शन हुआ है, नीचे मार्क्स भी इनके दिए हुए हैं। उसके बाद में जो मैकेनिक है माइंडर है उसके लिए आपके यादव है, जिनका सौरभ यादव है, इनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में लेबर अटेंडेंट में जो भी है उसके लिए सिलेक्शन हो चुका है, इसका मैंने वीडियो भी आपका बनाया था लेबर अटेंडेंट वाले कैंडिडेट का। इसके बाद में साइंस स्कूल वाले 2 कैंडिडेट थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, एलडीसी की वो देख सकते हैं, इससे कैंडिडेट का कभी का सिलेक्शन हो चुका है। जो भी कैंडिडेट है इसमें कंप्लीट आपका सिलेक्शन हुआ है। कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि उनके पास मैसेज आया था, लेकिन उसकी वजह से वो कैंडिडेट वहाँ पे भी पहुँच गए थे सीएमई में, लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, उन कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसके लिए ज्वाइनिंग लेटर आपका सेंड नहीं किए गए हैं। तो जो भी कैंडिडेट आप ये देख सकते हैं कंप्लीट आपका जो भी लोअर डिवीजन क्लर्क है उसमें आपका जो भी कैंडिडेट का बहुत ही कम का टॉप पर भी आपका नीचे दिखाऊंगा मैं कि वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं, तो जो भी कैंडिडेट है इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, इनका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट हैं बाकी वेटिंग लिस्ट में आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, जिसमें 15 नंबर तक के कैंडिडेट को भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, तो बहुत ही कम कट ऑफ में भी आप कैंडिडेट का वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। वेटिंग लिस्ट वालों को भी आपके मैसेज सेंड किए गए थे, इस वजह से ही वो कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे हैं कि उनका सिलेक्शन जो ज्वाइनिंग लेटर वो क्यों नहीं पहुंचा, तो इसी वजह से कैंडिडेट वहां पे सीएमई में रिपोर्ट कर दिया कि उन्होंने बताया कि सभी कैंडिडेट को जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी मैसेज उन्होंने किए हैं, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जिसका आया है उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। वेटिंग लिस्ट तभी आपकी क्लियर होगी तब
जब आपका ये जो भी कैंडिडेट है सिलेक्शन नहीं लेते हैं या आपके एक साल के अंदर जॉब छोड़ देते हैं, तो वो कैंडिडेट का इनका जो भी कैंडिडेट है इनमें से, तो उनका वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट आपकी जो लिस्ट है स्टोर कीपर के लिए, दो कैंडिडेट का आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भी इनका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में लाइब्रेरी क्लर्क के भी दो कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। काफ़ी कैंडिडेट मैसेज कर रहे थे कि लाइब्रेरी क्लर्क का कोई लगा है क्या, इसका लगा है क्या, सिविल मोटर ड्राइवर का आ गया है क्या। तो सभी अपना रिजल्ट चेक कर लें और विक्त मार्क्स के साथ जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। सैंड मॉड्यूलर का भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में कुक का अपना तीन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में फिटर में दो कैंडिडेट का जनरल मैकेनिक थे, उसके देख सकते हैं टोटल आपके ज़्यादा पोस्ट बढ़ा दी गई थी, टोटल इसमें छः पोस्ट आप देख सकते हैं, छः पोस्ट पे इनका सिलेक्शन कैंडिडेट का हुआ है। पहले चार पोस्ट थी, इसमें चार छः पोस्ट आपकी कर दी गई हैं। इसके बाद में मॉड्यूलर का है, जो भी सेंड मॉड्यूलर में आपका एक ही कैंडिडेट का मनोज कुमार का हुआ है सिलेक्शन। कारपेंटर में आप देख सकते हैं टोटल आपकी छः पोस्ट थी, छः पोस्ट के लिए आप पांच पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है। इलेक्ट्रीशियन स्किल्ड के लिए दो पोस्ट पे सिलेक्शन हो चुका है। मशीनिस्ट वुड वर्किंग का रोहित का इनका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद में ब्लैक स्मिथ अनुज का सिलेक्शन हो चुका है। पेंटर में आपका जो भी मयंक है उसका सिलेक्शन हुआ है। जिसके बाद में आप देख सकते हैं इंजन जो एयरक्राफ्टर है उसके लिए भी सिलेक्शन हो चुका है। स्टोरमैन टेक्निकल के लिए भी सिलेक्शन की लिस्ट आप देख सकते हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट में भी दो पोस्ट के लिए सिलेक्शन आप देख सकते हैं। अब आपके ये आ गई है लिस्ट एमटीएस ट्रेड के लिए। एमटीएस वाले आप अपनी लिस्ट चेक कर सकते हैं। जिनका भी यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है और इस लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नेम है, तो तुरंत आप सीएमई में रिपोर्ट करें इस लिस्ट की प्रिंट निकाल कर, क्योंकि जल्दी से जल्दी वहाँ पर आपको पहुँचना होगा। 30 तारीख की आपकी डेट है, उससे पहले जल्दी जल्दी रिपोर्ट करें, चाहे आप फ्लाइट से पहुँचें चाहे किसी भी वर्क से आप पहुँचें। तो इसलिए मैं वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश किया है। आज ही मेरे को ये वेबसाइट ओपन होती दिखाई दी और उसमें कैसे भी मैंने डाउनलोड किया है और आपको ये दिखाया है। ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी या पर्सनल मैसेज करके मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर आप ये ले सकते हैं। इसमें अपना नाम चेक करिए और जिनका भी सिलेक्शन दिख रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसमें बहुत ही कोई भी मतलब इसमें कहीं भी वो नहीं हुआ है, जो भी करप्शन वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो कट ऑफ आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका लो ग्रेड पे कट ऑफ पे सिलेक्शन कैंडिडेट का हुआ है, तो इसमें कहीं भी करप्शन नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ी खास बात इसमें देखने को मिल रही है। लश्कर में है तो लश्कर में आप देख सकते हैं कंप्लीट आपका जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन लिस्ट आपकी कंप्लीट यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट है अपना रोल नंबर चेक करें, अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर चेक करें, नेम चेक करें सभी। उसके बाद में कंप्लीट आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें वेटिंग लिस्ट कंप्लीट रिजल्ट की दी गई है। जो भी कैंडिडेट बाकी के हैं वो कंप्लीट आपके वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। जो भी वेटिंग लिस्ट है किस प्रकार से रखी गई है, वो मार्क्स के आधार पर आपकी रखी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें पहला अकाउंटेंट का है तो 39 नंबर वाला कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट फर्स्ट में है। तो आप देख सकते हैं 40 से 50 के बीच में इनकी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ रही है। बाकी की ये कैंडिडेट हैं सभी इनका वेटिंग लिस्ट में रखा गया। 3 नंबर वाले को भी वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। 3 नंबर भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपने दिया है 11, मतलब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है, 12 कैंडिडेट ने टोटल एग्जाम दिया था। उसके बाद में स्टूडेंट मैकेनिक का भी आपका मैं दिखाने वाला हूं। उसमें टोटल आप देख सकते हैं आपके ये कैंडिडेट बहुत ही कम कैंडिडेट का, इसमें 8 नंबर वाले का भी कैंडिडेट को रखा गया है, जिसमें जो भी कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो चुका है। टोटल आप इस प्रकार से 7 कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था। सीनियर मैकेनिक के लिए आप देख सकते हैं काफ़ी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था और बाकी जो भी कैंडिडेट हैं ये वेटिंग लिस्ट देख सकते हैं, 8 नंबर तक की भी वेटिंग लिस्ट इसमें रहा है। इसके बाद में मशीन बाइंडर के लिए है, उसमें भी काफ़ी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है, इसमें आप देख सकते हैं 10 नंबर तक की भी वेटिंग लिस्ट आप कैंडिडेट का रहा है। इसके बाद में लेबर असिस्टेंट के देखें तो कट ऑफ फाइन तो 1 नंबर पर 58 नंबर पर है, तो करीबन 60 नंबर वाले का सिलेक्शन हो चुका है। लेबर असिस्टेंट स्कूल वाले में भी 68 है, तो 70 नंबर तक के भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। लो डिवीजन में आप देख सकते हैं 48 नंबर वाले कैंडिडेट को फर्स्ट में रखा गया है। उसके बाद में आप सोच सकते हैं कि 50 नंबर वाले का फाइनल सिलेक्शन में भी सिलेक्शन हुआ है। स्टोर कीपर में 48 नंबर का रखा गया है, 1 नंबर वेटिंग में, जिसमें आपका कैंडिडेट का मतलब 50 नंबर वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं 19 नंबर वाले कैंडिडेट का यहाँ पर 1 नंबर वेटिंग में रखा गया है। तो आप देख सकते हैं मित्र आप जो 20 नंबर वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन या 21 नंबर वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन वहाँ पे हुआ है। इसके बाद में लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 52 वाले रखा, तो इसमें 54 या 55 पे कट ऑफ पे साइंस फाइनल सिलेक्शन हुआ है और जो वेटिंग लिस्ट में 5 नंबर वाले को भी रखा गया है। सेंड मॉड्यूलर वाले के 42 में आपका फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट में आपका रखा गया है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कुक में 38 नंबर, जो कि मतलब 40 नंबर पे कट ऑफ रही है। फाइन फिट जनरल फिटर में 48 नंबर पे, तो मतलब हो सकता है 50 नंबर पे आपकी फाइनल कट ऑफ इसमें रही है, जिसमें
माइनस मार्किंग में भी कैंडिडेट गए हैं, -3.75 भी माइनस रखा गया है, मतलब इसमें आपकी वो माइनस मार्किंग भी रखी गई थी। मॉडलर में 31 नंबर वाले का आपका जो भी वेटिंग लिस्ट है एक नंबर पे रखा गया है, कारपेंटर में 50 नंबर वाले कैंडिडेट को वेटिंग लिस्ट में एक नंबर पे रखा गया है। सो भी कैंडिडेट हैं अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं, जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है सभी के मार्क्स इसमें दिए गए हैं, इसमें कंप्लीट आप मार्क्स चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले हैं तो 46 पे पहला कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। मशीनिस्ट वुड में आपका 58 नंबर पे पहला कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ब्लैक स्मिथ में आपका 42 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में आपका रखा गया है। पेंटर का आपका 33 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। इंजर एयरक्राफ्टर में 32 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। स्टोरमैन टेक्निकल में 60 नंबर पे आपका वेटिंग लिस्ट रखा गया है। उसके बाद में लेबोरेटरी अटेंडेंट में 29 नंबर ओनली मात्र वेटिंग लिस्ट में फर्स्ट में आपका रखा गया है। आपका MTS का भी देख सकते हैं, MTS का भी आपका 62 या 65 आपकी लास्ट कट ऑफ रही होगी। इसमें आप देख सकते हैं 61 वाले कैंडिडेट का जो भी है इसमें आपका कैंडिडेट को रखा गया है। इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी वेटिंग लिस्ट नंबर 1 पे है, जादव है, इनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पोस्ट थी वो 50 पोस्ट में आराम से एक कैंडिडेट तो जरूर छोड़ देगा। दो कैंडिडेट हैं उसके बाद में प्रकाश, इनका भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। 4 से 5 कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं जो भी कैंडिडेट हैं, क्योंकि लास्ट में जो भी 50 पोस्ट हैं उसमें 50 पोस्ट में मिनिमम 4 से 5 कैंडिडेट आराम से जॉब छोड़ देते हैं एक साल के अंदर, या तो कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है या कहीं अच्छी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है तो जॉब लगभग छोड़ देते हैं। तो यहाँ से 4 से 5 कैंडिडेट का आराम से सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं, जो कि बड़ी संख्या में वेटिंग लिस्ट आपकी रखी गई है। जो भी MTS वाले हैं कैंडिडेट देख सकते हैं, अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं, अपना जो भी मार्क्स हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको वेटिंग लिस्ट तक रखा गया है, देख सकते हैं -2 वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे रखे गए हैं वेटिंग लिस्ट में। इसमें जो आपका लश्कर वाला है इनमें भी 1-2 कैंडिडेट का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सौरभ है, इनका आराम से सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। देख सकते हैं आप 50 नंबर वाले सिलेक्शन कैंडिडेट का सिलेक्शन हो चुका है। आप देख सकते हैं लश्कर में 50 वाले का 49.5 वाले कैंडिडेट का यहाँ पे आपका वेटिंग लिस्ट में रखा गया है। ये मीना का भी चांसेज है, जो सतपाल मीना है इनका भी चांसेज है, जिनके मार्क्स आपके 46 रखे गए हैं। तो आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं कंप्लीट ये लिस्ट आपकी, यहाँ पे आपकी जो भी -2 वाले कैंडिडेट का भी यहाँ रखा है। टोटल आपके वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे 768 कैंडिडेट हैं और 119 कैंडिडेट फाइनेंस सिलेक्शन लिस्ट में है। इस प्रकार से टोटल आपके 900 से ऊपर कैंडिडेट ने ही ओनली एग्जाम दिया था वहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट आपका जो भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है यहाँ पे सिलेक्शन आपके लिस्ट कंप्लीट चेक कर सकते हैं। और जो भी वेटिंग लिस्ट में है उनका भी सिलेक्शन मैंने जिस प्रकार से बताया, उनका सिलेक्शन ऊपर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। 99% चांस उनके बन जाते हैं यदि ज़्यादा पोस्ट आपकी रहती हैं, और कैंडिडेट लगभग 1-2 कैंडिडेट जरूर होते हैं ऐसे जिनका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है या कहीं दूसरी बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, तो एक साल के अंदर भी आपका ज्वाइनिंग लिस्ट जारी हो सकता है, ज्वाइनिंग आपका जारी हो सकता है। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। इससे संबंधित अदर किसी कैंडिडेट की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जिनका भी ज्वाइनिंग लेटर यदि नहीं आया फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम है तो आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके मुझे ये कंप्लीट जानकारी दे सकते हैं, और क्या करना है उसके आगे की कार्रवाई में आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी कैंडिडेट हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, कंप्लीट अपडेट रिजल्ट एंड कंप्लीट जानकारी के लिए यहाँ पे आप चेक कर पाएंगे। जो भी जानकारी है या PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, या आप पर्सनल मैसेज करके मुझे ये लिस्ट मांग सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। माई नेम से आपका जो भी ओनर है उस पर आप कमेंट बॉक्स में या जो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज मुझे कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।